भाई इमरजेंसी होगी तेरी, ठीक है तेरी बात, एकदम लाइट नहीं थी, चार दिन से कंटिन्यू तुमने सारी दुकानें फेल करवा दी। स्टेबलाइजर में 700 लाइट आ गई, मेरा कूलर फूक गया, इन्वर्टर फूक गया, ये करा हमने तो भाई कूलर फूक गया। हाँ जी, क्या परेशानी है भाई? मेरी परेशानी है, मेरा सर्विस सेंटर है एमआई का, लाइट तेज मंदी के कारण इन्वर्टर भी जल गया, सारी लाइटें खराब हो गई, काम तो ठप पड़ा ही है, कस्टमर हैरान हो रहे हैं। कूलर भी गया, एसी का कंप्रेसर गया, अब वो लॉस कौन भुगतेगा? कब से परेशानी आपको? ये 3 से 4 दिन हो गए परेशानी। हाँ, लाइट की परेशानी चल रही है। आपने किसी को शिकायत दी? शिकायत सीएम विंडो पे भी लगा ली, चंडीगढ़ भी कॉल कर ली, सारे काम कर लिए, और जो सब कुछ कर लिया है, कॉल करते हो गंदे तरीके से बात करते हैं, जनरेटर लगवा लो। फोन भी नहीं उठाते। जनरेटर लगवा लो। हाँ, जनरेटर लगवा लो, बस यही आवाज है। हाँ जी, क्या समस्या है भाई? समस्या यह है, इस चौक पे हमारी खराब माटी हो रही है, हरे माटी हो रही है, और माटी होती है मन में बेरानी, लेकिन हमारे इस दुकान का बेकरी है मेरे श्री श्याम जूस के नाम से, उसमें कम से कम 40,000 रूपये की आइसक्रीम का दूध का पानी हो रहा है 3 दिन तक। आज आई थी तो ई फिर कट होगी, ये 3 दिन 4 दिन हो गए हमारे दोनों समझ ले, मैं उल्ट पुलट तो के बोलूँ, लेकिन लेनी बिठा रखी हमारी सरकार ने। कितने दिन से चल रही है समस्या? 4 दिन हो गए कम से कम इस चौक पे ही, बीकानेर चौक पे ही 4 दिन हो गए। दो आदमी हमारे दो, जब भी फोन करते पहले तो उठाते नहीं, कहते पूरे शहर में 2 आदमी है। ऊपर से के बोले जनरेटर लगवा लो, मैंने फोन किया तो कहा जनरेटर लगवा ले, तेरे भाई जिनकी घोड़ी हुआ तो अपनी आइसक्रीम बचाने जनरेटर लगवा लो। बोलने की तमीज इतनी गंदे तरीके से बोलते हैं ये।